स्पेस सूट अलग अलग रंग के क्यों होते हैं और क्या हुआ जब सुअर का दिल निकाल कर एक इंसान के अंदर लगा दिया गया और कैसे आप प्लेन के टिकट सस्ते में निकाल सकते हैं और इंटरनेट का टोटल वजन कितना है और क्यों इस लड़के ने नॉर्थ कोरिया में अपने आप को अरेस्ट करवा लिया, जानकर आपको हंसी आ जाएगी। नंबर 22, एप्पल कंपनी के बारे में ये बात आपकी होश उड़ा देगी कि एप्पल के पास कैश में जितना पैसा है उतना अमेरिका की सरकार के पास भी नहीं है। 2011 में यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट में 73.8 बिलियन डॉलर्स कैश था जबकि एप्पल के पास अराउंड 76 बिलियन डॉलर्स। नंबर 21, आज ज्यादातर लोग सोते समय अपने सिर को पिलोज के ऊपर रखते होंगे लेकिन अगर आप बिना तकिए के सोते हैं तो इससे आपका बैक पेन कम होता है और आपकी स्पाइन स्ट्रांग होती है। नंबर 20, आप में से काफी सारे लोग ये मानते होंगे कि कैफीन से हमें एनर्जी मिलती है लेकिन ऐसा नहीं है, कैफीन से आपको कोई एनर्जी नहीं मिलती। जब कैफीन आपके ब्लड स्ट्रीम में जाती है तो ये आपकी बॉडी में रिसेप्टर से मिलती है जो एडिनोसाइन को रिप्लेस कर देती है जिससे आपके ब्रेन को ये नहीं पता चलता कि आप थक चुके हैं और आपको सोना चाहिए और इसलिए आप काफी थके होने के बाद भी काम करते रहते हैं। नंबर 19, लोगों की अमीरी बताने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं जैसे कि मिलियनेयर या बिलियनेयर, उसी तरह एक वर्ड होता है मिलियनेयर जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत कम पैसे हो या पैसे ही ना हो। बेसिकली ये गरीब लोगों की अमीरी बताने वाला वर्ड है। नंबर 18, क्या आपको पता है कि अब तक की लॉन्गेस्ट सर्जरी जो हुई थी जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगा था वो 2001 में हुई थी जिसमें 20 डॉक्टर्स की एक टीम को सर्जरी कंप्लीट करने के लिए 4 दिन से भी ज्यादा टाइम लगा था। नंबर 17, शायद ऐसे आपने कभी नहीं सोचा होगा कि माइक्रोस्कोप हमें बताती है कि हम कितने बड़े हैं, वही टेलीस्कोप हमें ये रियलाइज कराती है कि हम एक्चुअल में कितने छोटे हैं। नंबर 16, ये बातें आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे अगर आपके पास 2 चॉइस हैं और उनमें से एक चॉइस हटा दें तो आपके पास कोई भी चॉइस नहीं बचती और इसी तरह आपका पहला बर्थडे टेक्निकली आपका दूसरा बर्थडे होता है, राइट? नंबर 15, जब आप खुश होते हैं तो आप स्माइल करते हैं लेकिन अगर आप खुश ना भी हों और आप अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल लाते हैं तो इससे आपके ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे आपको हैप्पीनेस की फीलिंग होती है। नंबर 14, मैथ्यू मिलर नाम का ये लड़का 2014 में नॉर्थ कोरिया जाता है और वहाँ पहुँच कर ही अपना वीजा फाड़ देता है जिसके बाद वहाँ की पुलिस इसे अरेस्ट कर लेती है और इसे 6 साल की सजा सुनाई जाती है लेकिन 212 दिन जेल में रखने के बाद इसे छोड़ दिया जाता है और जब ये बाहर आया तो इसने बताया कि इसने ऐसा जानबूझकर किया था जिससे कि पुलिस इसे जेल में डाल दे ताकि वो नॉर्थ कोरिया की जेल की कंडीशन कितनी खराब है इसके बारे में दुनिया को बता सके। अब क्या ये लड़का बहादुर है या फिर मूर्ख, कॉमेंट में बताओ। नंबर 13, अगर आप प्लेन का टिकट सस्ते में निकालना चाहते हैं तो आपको टिकट को ट्यूजडे या वेंसडे को निकालना चाहिए, इन दिनों फ्लाइट के टिकट वीक के दूसरे दिनों के कंपैरिजन में आपको कम पैसों में मिल जाएगी। नंबर 12, कोई इंसान आपसे झूठ बोल रहा है या नहीं ये जानने के लिए आप उस इंसान को देखें क्योंकि झूठ बोलने वाला इंसान कई सारी एबनॉर्मल एक्टिविटीज करता है जैसे कि या तो अपनी आंखों को नीचे करके बात कर रहा होगा या फिर कंटिन्यूअस आई कॉन्टेक्ट बनाकर बिना और कहीं देखे स्टील होकर आपसे बात करेगा, बार बार अपने मुंह को अपने हाथों से ढकेगा और अननेसेसरी चीजों का जिक्र करेगा जिसकी उस कन्वर्सेशन में जरूरत भी नहीं होगी। अगर ऐसा कोई करता है तो समझ लेना कि वो कुछ तो छुपा रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। नंबर 11, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग मंडे मॉर्निंग पूरे वीक की सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग मॉर्निंग होती है और इस दिन ऑन एवरेज हम 11:16 से पहले एक भी बार स्माइल तक नहीं करते। नंबर 10, 7 जनवरी 2022 को डेविड बिनेट नाम के ये इंसान दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिनके अंदर एक पिग यानी कि सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था जिसके 2 महीने बाद तक डेविड की हेल्थ ठीक थी, हार्ट बिना किसी रिजेक्शन के काम करता रहा लेकिन 8 हफ्ते बाद डेविड की कंडीशन खराब होने लगी और 8 मार्च 2022 को उनकी मौत हो गई और दुनिया के पहले पिग हार्ट ट्रांसप्लांट को पार्शियल सक्सेस कंसीडर किया गया। नंबर 9, क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि कीबोर्ड का जो लोअर रो होता है सिर्फ उसे यूज करके आप इंग्लिश का कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं लिख सकते। नंबर 8, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप हर दिन 5 से 10 गाने सुनते हैं तो इससे आपकी मेमोरी पावर और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और डिप्रेशन 80% तक रिड्यूस हो जाते हैं। नंबर 7, आपने चेस सुना होगा और बॉक्सिंग भी सुना होगा लेकिन क्या आपने कभी चेस बॉक्सिंग के बारे में सुना है? ये एक हाइब्रिड स्पोर्ट है जिसमें प्लेयर्स अल्टरनेट राउंड्स में चेस और बॉक्सिंग खेलते हैं जब तक कि एक प्लेयर चेकमेट या नॉकआउट करके जीत नहीं जाता। नंबर 6, 1 अप्रैल 2015 में BMW ने न्यूजीलैंड के न्यूज़पेपर्स में एक एडवर्टाइजमेंट की जिसका टाइटल था अप्रैल फूल्स डे स्पेशल, जिसमें लिखा था कि जो भी इंसान सबसे पहले BMW शोरूम में आकर टॉम नाम के एक आदमी के बारे में पूछेगा उसे अपनी पुरानी कार के बदले एक BMW कार फ्री में मिलेगी। काफी सारे लोगों ने सोचा कि ये अप्रैल फूल बनाने का तरीका है और उसे सीरियसली नहीं लिया लेकिन एक लड़की थी जो BMW शोरूम में आती है जिसके बाद BMW ने उसे एक नई कार गिफ्ट की थी। नंबर 5, टाइटैनिक जहाज जो कि अपने समय का धरती का सबसे बड़ा मैनमेड ऑब्जेक्ट था जो कि मूव कर सकता था, जो अपने पहले ही सफर में डूब गया था लेकिन जब ये सिर्फ बनकर तैयार हुई थी तो इसे बनाने वाले इंसान से एक रिपोर्टर ने पूछा कि टाइटैनिक कितनी सेफ रहेगी तो उस आदमी ने कहा था कि ये इतनी सेफ है कि भगवान भी इसे डुबा नहीं सकते और बाकी इतिहास तो आप जानते ही है। नंबर 4, कैलिफोर्निया के व्हाइट माउंटेन्स में ऐसे ट्रीज हैं जो कि लिटरली रिटन हिस्ट्री
हिस्ट्री से भी ज्यादा पुराने। यह है ब्रिस्टल कोन पाइन नाम का पेड़ जो कि लगभग 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। नंबर 3, आज इंटरनेट पर इतना डेटा है कि अगर उसे पेपर पर लिखें तो इतने पेपर होंगे कि माउंट एवरेस्ट भी उनके सामने छोटा लगने लगेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इंटरनेट का वजन कितना है? इसके जवाब के लिए साइंटिस्ट ने मैथ कैलकुलेशन करके बताया कि पूरे इंटरनेट का वजन एक मीडियम साइज के अंडे जितना होगा, क्योंकि मोशन में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो कि इंटरनेट को बनाते हैं उनका टोटल वेट अराउंड 50-60 ग्राम होगा। नंबर 2, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग दुनिया के 90% लोगों ने कभी न कभी किसी न किसी को किसी न किसी तरह से किस किया है। क्या ये रिसर्च सही है? प्लीज वेरीफाई इन द कमेंट्स। नंबर 1, क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि एस्ट्रोनॉट कभी व्हाइट तो कभी ऑरेंज कलर के स्पेस सूट पहनते हैं? लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? देखो, जो व्हाइट कलर के स्पेस सूट होते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट स्पेस में पहनते हैं। इन्हें एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी सूट कहते हैं जो कि सनलाइट को बेहतर रिफ्लेक्ट करते हैं और एस्ट्रोनॉट की बॉडी को ठंडा रखते हैं। वही जो ऑरेंज कलर के स्पेस सूट होते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट तब पहनते हैं जब वो स्पेस शटल में बैठकर स्पेस में जा रहे हो या फिर स्पेस से वापस धरती पर आ रहे हैं। इन्हें एडवांस क्रियोस्केप सूट कहते हैं जो कि लैंडिंग या लॉन्च के टाइम पर एस्ट्रोनॉट को मोर विजिबल बनाते हैं, जिससे कि कभी दुर्घटना के टाइम समंदर में उन्हें दूर से ही स्पॉट किया जा सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।